हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गिफ्ट में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी वीगो वीडियो को PayPal अकाउंट से लिंक कर सकते हैं और जो वीगो वीडियो का बैलेंस है डॉलर्स में वो आप अपने PayPal अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि जो बैलेंस आपका PayPal में पहुंच जाएगा उसको आप अपने बैंक अकाउंट तक कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम होगी आगे वीडियो में, क्योंकि मैंने कॉलर में तो माइक लगा दिया था लेकिन उसका जैक लगाना भूल गया था कैमरे में। तो जो भी वॉइस रिकॉर्ड हुई है वो कैमरे के माइक रिकॉर्ड हुई है, तो थोड़ा सा वॉइस का एडजस्ट करना पड़ेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पेपाल अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको अपना नॉर्मली वीगो जो वीडियो है, अगर आपको वीगो वीडियो में अपना पेपाल अकाउंट लिंक करना है तो आपको नॉर्मल अपना वीगो वीडियो को ओपन करना है। उसके बाद आपको मी पे क्लिक करना है। मी पे क्लिक करने के बाद आपके जो फ्लेम्स वगैरह यहाँ पर शो होते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो अमाउंट वगैरह है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। वो नीचे लिखा होगा पेपाल, यहाँ पर छोटा सा लिखा है लिंक, आपको पेपाल पर क्लिक करना है। पेपाल पर क्लिक करने के बाद एक छोटा सा पेज यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन के साथ। आप इंस्ट्रक्शन चाहें तो पढ़ सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो लिखा है लिंक टू पेपाल इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वो पेपाल का ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी है जिसके थ्रू आपने अपनी पेपाल क्रिएट किया था, तो वही हम यहाँ पे अभी जो है एंटर करने वाले हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से वो पासवर्ड मांगेगा जो आपका पेपाल का पासवर्ड होगा, तो वो भी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद करते हैं यहाँ से लॉग इन। अब क्योंकि आपका पेपाल अकाउंट क्रिएट हो गया होगा तो आप देख सकते हैं नॉर्मली यहाँ पे आपके नाम वगैरह आने लगा होगा जहाँ पे लिखा है हाय मोहम्मद, तो आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। जो भी आपका नाम होगा आपके पेपाल पर वो यहाँ पे शो करेगा, छोटे से छोटा सा नाम आपको शो होगा यहाँ पे नॉर्मली। अब आप देख सकते हैं आपका पेपाल जो है वो यहाँ पे शो होने लगेगा लिंक्ड। अब आपको क्या करना है, अब ये जो अमाउंट है 11 रुपये का ये आपको अपने पेपाल में विड्रॉल करना है। तो आपको कैसे करना है, आपको इस पे बैलेंस पे आपको पेपाल पर सॉरी क्लिक करना है। पेपाल पे क्लिक करने के बाद आपको अमाउंट डालना है डॉलर्स में। मान लीजिए 11 डॉलर कुछ सेंट था, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल 11 डॉलर को जो है यहाँ से ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने 11 एंटर किया, ये डॉलर्स में काम चल रहा है, 11 रुपए नहीं है, ये 11 डॉलर्स है। उसके बाद यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करते एक छोटा सा पॉपअप आपको देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ विड्रॉल रिक्वेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 रुपए 8 सेंट था, अभी जो है सिर्फ 0.08 दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो आपका 11 डॉलर है वो आपके पेपाल पर ट्रांसफर हो चुका है और आपके पेपाल से आपके अकाउंट में एक दिन में या दो दिन में वो पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट लिंक करें और बैलेंस को ट्रांसफर करें। बाकी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये जो पेपाल का अकाउंट बैलेंस है वो आप अपने बैंक अकाउंट तक कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर जाएं, शेयर कर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नए अपडेट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।